आज ना दो डिफरेंट कलर ऑप्शन लेकर आया हूँ, बट स्पेशली फोकस रहेगा जो नया वाला हमारा मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 आया है वो लेकर। बट एक बार सिल्वर से भी कंपेयर करेंगे और वो एक खूबसूरत जो सिलेरियो ऑप्शन है वो क्या इस गाड़ी को टक्कर दे पाएगी कि नहीं वो भी समझते हैं। फिलहाल ये जो भी आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है, वो देख रहे हैं वो मिडिल का है, और उसमें क्या है डिफरेंस, क्या चेंजेस है, फॉग लैंप्स दिया है कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि हाँ यार चलो उसमें क्या है, टॉप मॉडल अपन लेते हैं तो फॉग लैंप्स वगैरह सब लगता है, पर यार इसमें ऑल्टो K10 में आता ही नहीं। वो भी एक प्रकार से समझेंगे, बट एक लमसम समझने के हिसाब से कुछ चीज़ें जो मुझे खटकी है सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर टॉप मॉडल भी आप लेते हैं ना तो सेम बॉडी कलर में आपको मिरर्स नहीं दिए हुए हैं, ये थोड़ा बात अटका। पर वहीं जैसे सिलेरियो थोड़ा सा महंगा है, बट ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो सेम बॉडी कलर्स में मिरर्स आपको मिल जाएंगे। वहीं जैसे इस अगर व्हीकल को कवर करें तो साइड का जो व्हील कैप है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ना देते हुए सिंपल दिया हुआ है, बट इसमें व्हील कैप्स आप टॉप मॉडल लेते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। समझने के लिए वो लास्ट में देख रहे हैं ना, वो आपको इसके ऊपर का वेरिएंट है जिसमें फॉग लैंप्स भी दिया हुआ है और खूबसूरत सा एक मैं कह सकता हूँ ब्लैकिश पियानो ब्लैक फिनिश में ये मिल जाएगा, और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर का है। इसकी कीमत शुरू होती है 3,99,000 से, और टॉप जो AGS रहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो ये जाता है 5,84,000 एक्स शोरूम। और वहीं पर अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं टॉप मॉडल में जो VXI प्लस के नाम से जाना जाता है तो आपको ये जो व्हीकल है ये मिलता है 5,34,000 में। इसका जैसे आप टॉप मॉडल लेते हैं तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेंज होगा, बट इस परफेक्ट वेरिएंट के साथ मैच प्राइसिंग का मैं रखा तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप इसका टॉप लेते हैं और उसका मिडिल मॉडल दोनों का इक्विवेलेंट प्राइस रहेगा तो क्या अप्रॉक्सीमेशन आपको अंतर पड़ेगा। तो जैसे लमसम इस व्हीकल का साइड का बताऊँ तो साइड में आपको कुछ इस प्रकार से व्हील कैप दिए हुए हैं, वहीं पर अगर आप देख रहे होंगे तो सुजुकी का सेम व्हील कैप है बट थोड़ा सा डिज़ाइन में अंतर है जो उससे और इससे आप मैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे ना तो ये आपको बॉडी कलर बना देते हुए सिंपल देता है, वहीं पर अगर आप सिलेरियो का देखेंगे तो वहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा। फिर चलो अच्छी बात यह है कि जैसे उस व्हीकल पे सेम बॉडी कलर हैंडल्स दिए हुए हैं, इसमें भी वही दिया हुआ है। तो जैसे आप खोलेंगे तो अंदर का मेन खेल शुरू होता है। जैसे अंदर आप देख रहे होंगे तो मारुति सुजुकी का लोगो इसमें है, केवल आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताएगा जिसमें कितने किलोमीटर्स में गाड़ी ये चल रही है, नीचे फ्यूल के इंडिकेशन, राइट साइड में कोई बैटरी में प्रॉब्लम है या इंजन में कोई प्रॉब्लम आते है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देगा। 7 इंच का ये टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो ऑलरेडी आप मारुति सुजुकी के बाकी गाड़ियों में देख चुके हैं सक्सेसफुल है, इसीलिए सब में देते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोगों का दिमाग में रहता है कि यार ये हर क्यों ही इसमें क्यों देते हैं, तो सक्सेसफुल है दैट्स वाई दे ऑलवेज पुट इन दैट वे। तो सक्सेसफुल होने के कारण ये 7 इंच का जो भी चल रहा है ये अप्रॉक्सीमेशन अधिकांश गाड़ियों में मिल जाता है। ऊपर जो एसी के वेंट्स आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, पर वहीं पर साइड में है आपको ऐसा फ्लैप बन वाला मिलता है जिसमें साइड का जो कवरिंग है ये सिल्वर फॉर्मेशन पर मिल जाएगा। नीचे एसी कंट्रोल दिए हुए हैं वही सिंपल 0 से लेकर 4 तक, बाकी गर्म हवा अंदर रखने या बाहर रखने के लिए जो कंट्रोलेशन आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्मेशन ब्लैक मिलता है टॉप मॉडल में भी, और वहीं पर जैसे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं तो ये ग्लव बॉक्स एक सफिशिएंट मिल जाता है जो कि इस गाड़ी में मिलनी चाहिए, और उसके हिसाब से मुझे बहुत चीज़ें बेहतर भी लगती है क्योंकि ऐसा लगता है कि परफेक्शन इस व्हीकल में। फिर जैसे मैं इस व्हीकल को टैली करूँ तो इस व्हीकल में जैसे यहीं पर सेम बॉडी कलर्स में आपको डोर मिल जाते हैं, और अगर मैं इसे अंदर घुस के देखूं तो यहाँ पर जैसे आप नोटिस करेंगे कि सुजुकी जो मारुति का लोगो मोनो सेम एज इट इज़ वही फॉर्मेशन पे मिलता है। और जैसे ऊपर मैं चले जाता हूँ तो इसका जो डिस्प्ले फॉर्मेट है वो ना देते हुए सिंपल ये एनालॉग फॉर्मेशन पे देता है, पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सेंटर में आप एक छोटी चीज़ नोटिस करिएगा कि ऑफकोर्स उसके कंपेयर में अगर आप रहेंगे तो साइज़ बड़ी है, उसके हिसाब से प्राइस को मेंटेन किए हैं तो इसमें ये चीज़ मिसिंग हो जाती है, और सेंटर में आपको कुछ इस प्रकार का इन्फोटेनमेंट ठीक ठाक वाला मिल जाता है जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हैं, रेडियो वगैरह सब। बट फिर भी अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्लासी हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं अंदर आ गया हूँ इस व्हीकल के तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज और जैगेंटिक फील मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे बैठने का पोजीशन भी थोड़ा सा अपफ्रंट है और बेहतर लग रहा है। ये भी पोर्शन क्या है थोड़े से अंदर दबे हुए हैं,
बट ये डिज़ाइन और ये जो एसी वेंट्स का जो उभरापन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है। सेंटर कंसोल उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पर अगर आप यहाँ पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट लगा देते हैं इस वेरिएंट को, या तो आप टॉप मॉडल देखेंगे तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ जाएंगे, तो ये पोर्शन अच्छा रहता है। फिर गियर नॉब ऑफ कोर्स 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। हैंड ब्रेक यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं चीज़ें यहाँ रखने के लिए, और इसका ग्लव बॉक्स तो ऑफकोर्स उस गाड़ी से बड़ी है ये, तो वो बड़ा चीज़ इसमें मिल जाए। फिर जैसे ही यहाँ से अगर मैं साइड हटूँ तो थोड़ा इंटीरियर भी क्या है इफेक्टिव जितना रहना चाहिए था वो इस व्हीकल में मिल जाएगा। और वहीं पर जैसे मैं इधर का देखता हूँ तो एक सफिशिएंट लेग स्पेस जो इस गाड़ी में मिलना चाहिए वो मिल जाता है जैसे मैं बैठूं यहाँ पर। तो चलो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये क्या है कि इतना मुझे स्पेस दे दिया, मैं खुश हूँ, क्योंकि वैसे महंगी गाड़ी यार खर्च कर रहा हूँ तो इतना तो बनेगा ठीक। पर वही चीज़ अगर मैं इस व्हीकल की तरफ जाऊँ जो कि हमारा नया ऑल्टो गेट है, तो जो पुराने में जितनी प्रॉब्लम थी अब वो पूरी हट गई है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सफिशिएंट लेग स्पेस मिल जाता है। अब जैसे लेग स्पेस और बाकी चीज़ों की बड़ाई कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको केटन सीरीज़ का जो ड्यूल जेट है अब इसमें वो मिलता है, और उस कारण से क्या है कि गाड़ी अब बहुत बेहतर हो गया। साथ ही साथ पीछे से आप कैसा दृश्य दिखेगा आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। अब ये जो केटन सीरीज़ का जो है पेट्रोल 998 जिसे बोलते हैं, ये कितना निकाल के देता है तो मैं बता दूँ आपको 66.62 PS और 89 Nm का टॉर्क निकाल के देगा, जो कि आई थिंक इस व्हीकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अब दो चीज़ आपको बता देता हूँ, इसका लेंथ और वेट। तो 3530 mm इसका लेंथ है, तो यहाँ से जैसे लेंथ देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और 3530 mm के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और चौड़ाई देख रहे होंगे तो 1490 mm का इसकी चौड़ाई मिल जाती है। ऑल्टो K10 लिखा हुआ है, सेंटर में मारुति सुजुकी का लोगो है, बैक लैम्प जैसे देख रहे थे थोड़ा सा ब्रॉड दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्रॉड, तो इससे भी टैली कर लेता हूँ। जैसे ये ब्रॉडनेस और इसको आप टैली करेंगे सेम डिवाइडेशन है, बस उसका विपरीत लगता है। जैसे ऊपर रेडिश फॉर्मेशन है, नीचे येलोइश के लिए सेम बल्ब दिए हुए हैं, यहाँ पर उसी का विपरीत, नीचे रेड हो गया और ऊपर आपको इंडिकेटर का येलोइश फॉर्मेशन लगे। यहाँ पर सिलेरियो लिखा हुआ है जो इस गाड़ी का नाम, खोलने के लिए ये पोर्शन, और सुजुकी का लोगो आपको सेंटर मिल जाता है, वहीं पर ये ऑल्टो ऐसा लिखा हुआ। सो ओवरऑल जैसे एक झलक देखते हैं ना, तो ये गाड़ी मुझे इफेक्टिव लगती है। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में जो हमारा सिलेरियो भाई साहब है प्राइस कम है, बट फिर भी लोग ये भी प्रेफर करते हैं लेना और ये भी प्रेफर करते हैं, दोनों एक मिड काउंटिंग में आता है। मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर आप साइज़ से आप कंपेयर करें ना, तो जैसे दोनों अभी है तो दोनों में इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा अभी लग रही है, और वही चीज़ जैसे देखेंगे तो लंबाई में ठीक ठाक ये भी इक्विवेलेंट रहता है। पर प्राइस के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ बेटर ऑप्शन न्यू अपडेशन के हिसाब से, और जैसे ऑल्टो का बहुत सारे लोग का भरोसा था उसके हिसाब से भी मुझे ये परफेक्ट लगता है। बट फिर भी बहुत सारे लोग वो गाड़ी भी प्रेफर करते हैं और उसको भी लेते हैं। बट ये गाड़ी आपको कैसी लगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मारुति सुजुकी का जो नया अपग्रेडेशन है, जैसे विब्रेजा को उन्होंने बहुत खूबसूरत रखा, वो सब कॉम्बिनेशन में ये कितना ज़्यादा अपग्रेडेड फील लगा वो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जैसे लमसम में फ्रंट का ग्रिल और जो हेडलैम्प्स का सेटअप है वो इफेक्टिव है, हाँ जैसे उसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लासी लुक देता है सिलेरियो का, बट ये भी एक लोअर सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव व्हीकल लगे। और कितना ज़्यादा बेहतर लगा प्राइस के हिसाब से, और दोनों में से आप कौन प्रेफर करेंगे कमेंट डाउन बिलो।